मुनव्वर फारूखी और अभिषेक कुमार ने ईशा को तंग किया है, ये सिर्फ और सिर्फ ईशा का कहना है। और भाई ईशा अभिषेक के सामने समर्थ के साथ किस कर रही है, उसके साथ सो रही है, उसके साथ मस्ती मजाक कर रही है, फिर भी वो नॉर्मल रिएक्ट कर रहा है, फिर भी उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। पर ईशा को बस इतनी सी बात बुरी लग गई कि तो ये तहल गई, ये तो मतलब कि ये पूरी हिलके रह गई कि भाई इसको पानी से जो है जैसे मछली को निकाल दिया वैसे ईशा को निकाल दिया। मैटर क्या हुआ मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये अंकिता, अभिषेक, ये जिग्ना और मुनावर सब लोग बैठे होते हैं, ये लोग बात कर रहे होते हैं आलूओं के बारे में कि दम वाले इतने सारा आलू जो है ले गए, ऐसे कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। और वहाँ पर जो है सब लोग बैठे होते, ईशा आके बैठती है। ईशा जब आके बैठती है तो मुनावर ऐसा करता है, तो इशारा करता है ईशा की तरफ, ऐसा ईशा का कहना है। तो अभिषेक जो है वो अभिषेक भी इस तरीके से आँख मारता है। और फिर उसके बाद क्या है, ये बोलते कि वो शायरी क्या थी, तो मुनावर एक शायरी मारता है। तो वहाँ से ईशा जो है अनकंफर्टेबल हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। समर्थ को भी इसके बारे में पता चलता है, तो समर्थ भी काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है। अब ईशा का कहना ये है कि अगर वो इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है क्योंकि ऑकवर्ड सिचुएशन है, तो मैं भी उससे गुजर रही हूँ, अगर उन लोगों को पसंद नहीं था मेरा वहाँ पर बैठना तो बोल देते कि भाई हमें पसंद नहीं है, मैं उनके साथ नहीं जाती, वहाँ पर नहीं बैठती। अब आखिरकार मैंने जो करना था मैंने कर दिया, मैंने झूठ बोलना था मैंने झूठ बोल दिया, अब सब चीज़ें तो सामने आ गई है ना, सच तो हो गया है ना, सब सामने साबित हो गया है ना, अभी मुझे आगे मूव ऑन करना है, मैं भी इन सब चीज़ों से फेस कर रही हूँ, उसको ये सब चीज़ें थोड़ी ना करनी चाहिए। भाई बहन तुम एक जगह पर समर्थ के साथ एक साथ देती हुई नजर आई, उस बंदे को तुमने अकेला कर दिया है, वो बंदा अभी तुम्हारे साथ ऐसा बैड बिहेव भी नहीं कर रहा, फिर भी तुम्हें चिढ़ मच रही है, फिर भी तुम्हारे समर्थ को चिढ़ मच रही है, क्योंकि वो बंदा रो नहीं रहा। 2 दिन के बाद आज वो थोड़ा बेटर फील कर रहा है, पर इतना भी बेटर फील नहीं कर रहा, पर फिर भी थोड़ा सा तो मुनावर ने उसको संभाल के रखा है। पर फिर भी ईशा अपना ही रोना धोना धो रही है कि भाई मैं ही बिचारी हूँ, ये ही गलत कर रहा है मेरे साथ। अब ईशा को सपोर्ट नहीं मिलने वाली, मेरी तरफ से तो नहीं मिलने वाली, मुझे तो ये बात पता है, क्योंकि ऐसी लड़की को मैं नहीं सपोर्ट करूँगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।